हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वगैरह आप लोगों की कैसे चल रही है? अच्छी चलनी चाहिए, अगर अच्छी नहीं चल रही है तो उसको अच्छा करिए। और अभी तो और अच्छा मौका भी मिल गया है, ठीक है ना? सारा कुछ लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, आप लोग घर पे ही रह रहे हैं, तो घर पे रह रहे हैं तो उस टाइम को यूटिलाइज करिए। ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स पे ही हम लोग लगे पड़े हुए हैं ना। हॉटस्टार VIP चल रहा है हमारा, अमेजोन प्राइम चल रहा है, वीडियोज़ वगैरह देख, ठीक है, ये सब भी देखिए, ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ में पढ़ाई भी ज़रूरी है, ठीक है ना? पढ़ाई लगातार करते रहिए, क्योंकि जब तक पढ़ाई नहीं होगी, जब तक फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, जब तक हाथ में एक अच्छी सी जॉब नहीं होगी, ये सारी चीज़ें अच्छी हमेशा नहीं लगेंगी, ठीक है ना? कुछ दिन तक तो अच्छी लगेंगी, लेकिन उसके बाद अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है? तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए, पढ़ाई वढ़ाई करिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, कोरोना वायरस के बारे में आप लोगों को पता ही है कि बहुत ही बुरी तरीके से फैला हुआ है पूरे देश में, ठीक है? और बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें परेशान हैं, और बीमारी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। लगातार सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं, कर्फ्यू वगैरह लगाया जा रहा है, धारा 144 भी कहीं कहीं पर लगाई जा रही है, ठीक है ना? तो इन सारी गाइडलाइन का हम लोगों को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि ठीक है हवा में देख लिए छोड़ दिए, नहीं, अगर नहीं देखोगे तो फिर वो लोग तो फॉलो करा ही लेंगे, और यूपी के रहने वाले हो तो फिर योगी जी तो सब कुछ करा ही लेंगे, ठीक है ना? तो हमको सरकार की गाइडलाइन को भी फॉलो करना है, खुद भी सेफ़ रखना है, अपनी फैमिली को भी सेफ़ रखना है, और भी दो चार लोग जो आस पड़ोस के, उनको सबको बताइए कि आप लोग एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में मत आइए, दूरी बना के रखिए, सैनिटाइजर वगैरह का यूज़ करिए आप लोग, ठीक है ना? सारी चीज़ें जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, आप लोगों को इसको फॉलो करना है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, सारी चीज़ें ध्यान में रखना है, क्योंकि पहले हेल्थ ज़रूरी है। अगर हमारा स्वास्थ्य, हमारी तबीयत नहीं अच्छी रहेगी तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, फिर हम लोग परेशान रहेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ों को ध्यान रखिए कि अपनी हेल्थ को अच्छे से रखना है, बीमारी को फैलने से रोकना है, किसी भी तरीके से एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आना है, प्रॉपर जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखनी है, घर पे ही रह रहे हैं, कहीं बाहर निकलने की जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही रहना है। और घर पर रहना है तो ऐसा नहीं है कि सोते पड़े रहें, नहीं, ये भी नहीं करना है, घर पर रहना है, घर के भी काम वाम थोड़ा बहुत दो चार मन करे तो कर लेना, नहीं तो पढ़ाई तो करनी ही है। तो पढ़ाई हम लोग यहाँ पर लगातार करते रहेंगे, ठीक है ना? और ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, अपने आप को सेफ रखेंगे और पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना? चलिए, और ये सब तो बेसिक बातें थी, थोड़ा सा बताना जरूरी था, और आप लोगों को भी पता ही होगा क्योंकि आजकल माहौल ऐसा हो गया कि सब इसके बारे में अवेयर हो गए, मास्क वगैरह लगा के रखिए, इसके साथ में पढ़ाई वगैरह भी अपनी करते रहिए, ठीक है ना? तो आज का ये जो वीडियो रहेगा, आज हम लोग एक यहाँ पर DI से डिस्कस करेंगे, और ये जो हमारी DI रहेगी, मॉडरेट टू टफ लेवल की DI रहेगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहने वाली, कैलकुलेटिव रहेगी, टफ नहीं रहेगी, मॉडरेट टू टफ लेवल की रहेगी। हाँ, प्रीलिम्स में पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, कई बार RRB वगैरह के तो ये मेंस में भी आ सकता है, ठीक है ना? तो आप लोग इसको देखिए, और इस DI में हम लोग क्या करेंगे, इस DI में हम लोग परसेंटेज के अपने कंसेप्ट को रिविज़न कर लेंगे, और रेशियो के कंसेप्ट को रिविज़न कर लेंगे। तो अगर आप लोगों का परसेंटेज का और रेशियो के कंसेप्ट अच्छे हैं तो उसका सारा का सारा यूज़ यहाँ पर होने वाला है, नहीं अच्छा है तो आप लोग वीडियो को फिर भी देखिए, उसके बाद में चीज़ें समझ में आए, क्योंकि कहीं ना बीच बीच में मैं बताता भी रहूँगा, ठीक है ना? लेकिन जो अपने हर वीडियो में मैं बताता हूँ, आज फिर से एक बार बता रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्टिव मोड में आप लोग आके देखिए इसको, ऐसे नहीं कि नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं, ये मुरारी बापू की कथा चल रही है और देख के चले जाना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे, आप लोग उसी टाइम पे वीडियो को तुरंत पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है, क्या पूछा गया है, क्या निकालना है, पेन अपनी चलाइए, थोड़ा बहुत अपना दिमाग जो भगवान ने दिया है उसको लगाने की कोशिश करिए। आप लोग लगाइए, कोई भी हो, आप लोग हो सकता है मैथ आप लोगों की बहुत अच्छी, आप लोगों के DI बहुत हल्की लगे, लेकिन फिर भी आप लोग लगाइए, नहीं अच्छी है तो आप सीख के जाइए। अगर आप लोग DI ईजिली बना ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं बना पा रहे हैं तो सीख के जाइए। आप लोग किसी भी चैनल से पढ़ाई करिए, किसी भी YouTube चैनल से पढ़ाई करिए, आप लोगों के सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एक बार उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं बनेंगी। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा, आधे घंटे की या 45 मिनट की जो भी वीडियो बनती है ये, आप लोग उसमें आप लोग देखिए, और क्वेश्चन आएगा एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आप लोग की कॉपी पेन चलेगी, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि गलतियां कहां पर हो रही हैं, सही हो गया तो अच्छी बात है, नहीं सही हो रहा है क्वेश्चन तो गलत कहां पर हो रहा है। और जब तक गलतियां नहीं पता चलेंगी तब तक हम लोग करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो अगर गलती हो रही, DI नहीं बन रही, तो इसमें डरने की, घबराने की, नर्वस होने की कोई बात नहीं है, सीखिए। ये एक लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, एक दिन में किसी को नहीं आता है, तो लगातार आप लोग इसको सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन ऐसे मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऐसे केवल वीडियो देख के जाइए। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे, आप लोग उसको खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए, फिर अगला क्वेश्चन आएगा, फिर उसका सोल्यूशन देखिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर उसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है ना? तो इसी तरीके से आप लोग करिए, और सिर्फ इसी चैनल पर नहीं, जिस भी चैनल से आप लोग पढ़ाई करिए, अगर रीजनिंग की पजल आ रही है तो वीडियो तुरंत पॉज कर दीजिए, आप लोग रीजनिंग पजल सॉल्व करिए, कहाँ तक आप पहुँचते हैं, उसमें कितने स्टेप बना पाते हैं, कम से कम दिमाग में तो आएगा कि आप लोग कहाँ दिमाग नहीं चला पाए, कहाँ रुक गए, वो चीज़ें बाद में सीखने को मिलेंगी। तो प्रैक्टिस जो है मैंडेटरी है,
तो ठीक है, अब डीआई आप लोगों के सामने आएगी और परसेंटेज और रेशियो के कंसेप्ट इसमें रहेंगे, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करिएगा और खुद लगाइएगा, खुद लगाइएगा, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि डीआई में क्या बोला गया है। देखिए इसमें बोला गया है, टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स व्हिच वेयर एस्टिमेटेड टू बी सोल्ड इन 5 malls, आउट ऑफ टोटल टिकट्स सोल्ड परसेंटेज ऑफ ऑडिटोरियम 1 tickets sold and ratio between auditorium 2 and auditorium 3 is given. Study the data carefully and answer the following questions. ठीक है ना, यहाँ पर यह बताया गया है कि 5 different मॉल हैं, कौन से, पैसिफिक, SRS, EDM, V3S और MMX, ठीक है ना, और वहाँ पर जो है 3 auditorium हैं, ऑडिटोरियम 1A, ऑडिटोरियम 2 और ऑडिटोरियम 3, 3 auditorium हैं और तीनों ऑडिटोरियम में अलग अलग डिफरेंट तरीके की फिल्में चल रही हैं। और वहाँ पर इस कॉलम में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि कितने टिकट बेचे जा सकते हैं, ठीक है ना, ऑडिटोरियम 1 के लिए, ऑडिटोरियम 2 के लिए और ऑडिटोरियम 3 के लिए कितने टिकट बेचे जा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कैन बी सोल्ड इसमें बताया गया है। और इसमें जो है, उसमें ऑडिटोरियम 1, उसमें ऑडिटोरियम 2 और ऑडिटोरियम 3, इन दोनों का रेशियो दिया गया कि कितने टिकट जो है इनके लिए बेचे गए, ऑडिटोरियम 2 के लिए और ऑडिटोरियम 3 के लिए जो टिकट बेचे गए उनका रेशियो इसमें दिया गया है। और इस कॉलम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें ये दिया गया है कि ऑडिटोरियम 1 के लिए कितने परसेंट टिकट बेचा गया, इसमें परसेंटेज में वैल्यू दी गई है। और इसमें जो है A2 और A3, हम लोग ऑडिटोरियम को A1 और ऑडिटोरियम 2 को A2 इस तरीके से डिनोट करेंगे। और तो इसमें क्या है कि A2 और A3 का रेशियो दिया गया है ऑडिटोरियम 2 और 3 का, और इसमें ऑडिटोरियम 1 का परसेंटेज वैल्यू दिया गया है कि टोटल कितने टिकट जो है इस ऑडिटोरियम के लिए बेचे गए। और ये क्या दिया गया है, ये टोटल टिकट्स दिए गए हैं, कितने टिकट बेचे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये सब बिके ही हों, कितने टिकट बेचे जा सकते हैं ये इसमें दिया गया, ठीक है ना। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो एक लाइन इसमें और दी गई है, नोट करके एक लाइन और दी गई है, 200 टिकट्स रिमेन एंड सोल्ड इन ईच मॉल। इसका मतलब हो जाएगा कि सभी मॉल में जितने भी टिकट बेचे जा सकते हैं उसमें से 200 टिकट जो है वो बेचे नहीं गए हैं, अनसोल्ड हो चुके हैं, ये मतलब बेचे नहीं जा पाए हैं। तो ये इसलिए दे दिया गया है कि छोटा करके इसीलिए दिया जाता है कि समझ में ना आए या लोग इसको पढ़ने में भूल जाएं। इसकी वैल्यू भी आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा कि ये क्यों दिया गया है और इसको कैसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। और दूसरी चीज़ इसमें क्या दी गई है, दूसरा दिया गया है कि टिकट्स कैन बी सोल्ड, जो टिकट बेचे गए हैं, जो टिकट बेचे जा सकते हैं वो कौन कौन से टिकट होंगे, ऑडिटोरियम 1 के लिए जो टिकट बेचा जाएगा उसको ऐड करेंगे, ऑडिटोरियम 2 के लिए जो टिकट बेचा जाएगा उसको ऐड करेंगे, और ऑडिटोरियम 3 के लिए जो टिकट बेचा जाएगा उसको, और प्लस अनसोल्ड टिकट, ठीक है ना, इतने सारे चीज़ों को, इतने सारे टिकट्स को ऐड कर जो है ये टोटल टिकट्स कैन बी सोल्ड जो है कितने टिकट बेचे जा सकते हैं ये आएगा, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटा डीआई का ओवरव्यू दे दिया है आप लोगों को कि इसमें क्या क्या दिया गया है, 5 mall हैं, पैसिफिक मॉल, SRS मॉल, EDM मॉल, V3S और MMX हैं, ठीक है ना, 3 auditorium है, उसमें 3 theater होती है, तो उसी तरीके से ऑडिटोरियम है, हर ऑडिटोरियम में, हर थिएटर में समझ लो कि अलग अलग मूवीज़ चलती हैं। ऑडिटोरियम 1 को हम लोग A1 के नाम से जानेंगे, ऑडिटोरियम 2 को A2 से और ऑडिटोरियम 3 को A3 के नाम से जानेंगे। और उसमें ऑडिटोरियम 1 के लिए कितने टिकट बेचे गए हैं उसका परसेंटेज वैल्यू दी गई है और 2 और 3 का रेशियो दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हम इसको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। आप लोग भी वीडियो यहीं पर पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आप लोग सोल्यूशन देखिएगा। चलिए इसमें पढ़ते हैं क्या बोला गया। इसमें बोला गया है, टोटल टिकट्स सोल्ड बाई EDM मॉल इन ऑडिटोरियम 1 एंड ऑडिटोरियम 3 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ ऑडिटोरियम 1 एंड ऑडिटोरियम 2 टिकट्स सोल्ड इन SRS मॉल। EDM मॉल द्वारा ऑडिटोरियम 1 और ऑडिटोरियम 3 में बेचे गए कुल टिकट SRS मॉल के ऑडिटोरियम 1 और ऑडिटोरियम 2 के बेचे गए कुल टिकट से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है EDM मॉल की, ये रहा EDM, और बात हो रही है SRS मॉल की, EDM और SRS मॉल की बात हो रही है, ये रहा EDM और ये रहा SRS, ठीक है ना, इसी के ऊपर जस्ट SRS है। और EDM मॉल के लिए ऑडिटोरियम 1 और 3 की बात हो रही है, तो ऑडिटोरियम 1 ये रहा EDM के लिए और 3 कहाँ मिलेगा, 3 ये रहा, 3 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। और SRS मॉल की अगर हम लोग बात करेंगे तो SRS मॉल के लिए ऑडिटोरियम 1 और 2 की इसमें बात हो रही है, तो SRS के लिए 1 यहाँ से मिलेगा, ये वैल्यू दी गई है, और 1 जो है यहाँ से मिल जाएगा, उसके रेशियो से निकालेंगे हम ना। तो चलिए अब हम लोगों को पहले क्या करना है कि EDM मॉल के ऑडिटोरियम 1 और ऑडिटोरियम 3 में कितने लोग हैं उसको निकालना है, SRS मॉल के ऑडिटोरियम 1 और ऑडिटोरियम 2 में कितने लोग हैं उसको निकालना है, उसके बाद में हम लोगों को देखना है कि कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत कम है। तो बात करेंगे हम लोग EDM मॉल की, और EDM मॉल में हम देखते हैं कि कितने लोग हैं, चलिए देखते हैं इसमें कि कितने लोग हैं। तो EDM मॉल की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो EDM में हम लोग को क्या करना रहेगा, ऑडिटोरियम 1 A1
प्लस ए टू करना रहे, ए थ्री करना रहेगा, ई डी एम के लिए ए थ्री करना रहेगा। और ए वन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ए वन कितने 25% लोग, 25% टिकट, लोग नहीं टिकट, 25% टिकट जो है ऑडिटोरियम उनके लिए बेचे जा चुके हैं। और टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं 2600, ये दिया गया है टेबल में ही दिया गया है। यानी कि टोटल 2600 टिकट्स हैं जो बेचे जा सकते हैं, ऑडिटोरियम वन में जो है 25% टिकट बेचे जाएंगे, ठीक है ना, बेचे गए ऑडिटोरियम वन के लिए। ऑडिटोरियम वन में जो लोग मूवी देखने जाएंगे 25% टिकट उनके लिए इसमें से दे दिया गया, अलॉट कर दिया गया। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़े होते ढंग से, जहाँ पर आप लोगों को बताया गया था, यहाँ पर ये बोला था स्टार्टिंग में, मैंने बताया था कि 200 टिकट्स रिमेन अनसोल्ड इन ईच मॉल, सभी मॉल में जो है 200 टिकट जो है वो बेचे नहीं गए, वो बच गए हैं, सभी मॉल के लिए जो है 200 टिकट बच गए हैं। तो ईडीएम मॉल में टोटल कितने टिकट बेचे गए ये जरूरी है ना, ये तो 2600 टिकट तो बेचे जा सकते थे, लेकिन बेचे कितने गए, 2600 माइनस 200 यानी कि 2400 टिकट बेचे गए, 2400 टिकट बेचे गए। 2400 कैसे आए आप लोगों को बताया कि टोटल 2600 टिकट बेचे जा सकते थे लेकिन 2600 टिकट नहीं बेचे गए, 200 टिकट उसमें से नहीं बेचे गए, पूरे के पूरे 2600 टिकट नहीं बेचे। तो टोटल बिके कितना, 2600 माइनस 200 कर देंगे तो 2400 टिकट वो बिके। अब 2400 टिकट में से 25% जो टिकट था वो ऑडिटोरियम वन के लिए जो है सोल्ड कर दिया गया। तो चलिए इंटू 25, 25% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो इंटू 1/4 कर देंगे। अब बात करेंगे ऑडिटोरियम थ्री की, प्लस ऑडिटोरियम थ्री, ऑडिटोरियम थ्री ये रहा, ऑडिटोरियम थ्री ये रहा, ठीक है ना। और ऑडिटोरियम थ्री के लिए बचा कितना होगा भाई, देखिए 2400 टिकट बचे थे, 2500 टिकट जो उसमें 2400 टिकट बचे उसका 25% जो है ऑडिटोरियम वन के लिए बुक कर दिया गया। अब उसके बाद बचा कितना ए टू और ए थ्री के लिए, बचा कितना, तो 75% ही तो बचेगा भाई, ए टू और ए थ्री के लिए 75% ही तो बचेगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि ए थ्री के लिए कितना टिकट बचेगा, तो 2400 × 75/100 इतना टिकट बच गया A2 और A3 के लिए। और यहाँ पर A3 का रेशियो हम लोग लिख देंगे, A2 का रेशियो और A3 का रेशियो दिया गया है 4:3, 4:5, और हमको A3 का रेशियो A3 निकालना है, तो A3 का रेशियो कितना है 5 है, तो × 5/9 कर देंगे, × 5/4+5 कर देंगे, तो ये 9 हो जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, इसको हमको सॉल्व कर लेना है, तो ईडीएम मॉल के लिए ऑडिटोरियम और ऑडिटोरियम थ्री में कितने लोग हैं वो निकल आएगा। तो 4 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये 600 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर 25 से काट देते हैं तो 25 × 3 = 75 हो जाएगा, ये 25 × 4 = 100 हो जाएगा, 4 यहाँ से कटेगा, 4 एक बार, 4 × 6 = 24, 600 ये हो गया, 3 एक बार कटेगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 एक बार कटेगा, ये 200 हो जाएगा, ठीक है ना। 200 × 500 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और 600 यहाँ से आ ही गया है, तो यानी कि 600 + 1000, ठीक है ना, 600 + 1000 ये कितना हो जाएगा, 1600 हो गया हमारा, किसके लिए, ईडीएम मॉल के लिए, A1 और A2 का, A3 का। अब बात करेंगे SRS मॉल की, SRS मॉल की बात करते हैं। SRS मॉल में हमको किसको किसको निकालना है, ऑडिटोरियम 1 का और ऑडिटोरियम 2 का, ठीक है ना, A1 + A2 का। तो A1 का कैसे निकलेगा, SRS ये रहा, SRS में टोटल कितने टिकट बेचे जा सकते थे, 2000 टिकट जो है टोटल बेचे जा सकते थे, लेकिन 200 टिकट बिके नहीं, तो 200 टिकट बिके नहीं, तो बिके कितना, 2000 - 200 यानी कि 1800 टिकट बिके, 1800 टिकट SRS मॉल में बिके। 1800 टिकट में A1 का कितना बिका, A1 का परसेंटेज कितना दिया गया, 20% टिकट जो है 1800 में से 20% टिकट जो है ऑडिटोरियम A1 के लिए बिक गया, ऑडिटोरियम A1 के लिए बिक गया। और 20% का मतलब क्या होता है, 20% की अगर हम लोग मतलब की बात करेंगे तो 1/5 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 1/5, ये हो गया 1/5 प्लस। अब हमको निकालना क्या है, A2, SRS के लिए हमको A2 निकालना है। और A2 कैसे निकलेगा, A2 कैसे निकलेगा, अगर 20% टिकट जो है हमारा बिक गया है A1 के लिए, तो A2 के लिए बचा कितना, A2 के लिए बचा 1800 × 80% टिकट ही तो बचा A2 और A3 के लिए। और A2 का और A3 का रेशियो कितना दिया गया है, 7:5 A2 और A3 का रेशियो दिया गया है। तो A2 कैसे निकल जाएगा, × 7/7+5 यानी कि 12, ठीक है ना। तो × 7/7+5/12 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहाँ से निकल आएगा A1 और A2 के लिए जो है कितना टिकट SRS में बिके दोनों के लिए। तो इसको अगर हम काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको काटते हैं 500 डायरेक्ट काट देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 5 से काटेंगे मतलब 2 से ऊपर गुणा करो, 2 से नीचे से गुणा करो, 36 हो जाएगा, 2 × 2 = 0.2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 360, ये हो गया हमारा 360, ठीक है ना। यहाँ इन 2 जीरों से ये 2 जीरो उड़ जाएगा हमारा, ठीक है ना। उसके बाद अगर 4 से काटते हैं, 3 से काट देते हैं तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा, 4 से ये काट देते हैं, 4 × 2 = 8 = 20 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 360 + 20 × 120 ये हो जाएगा 20 × 120 यानी कि 12 × 7 = 84 + 840 + 840 इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
3 × 8 = 1100, 1200 × 4 = 1200 हो जाएगी, ये 1200 हो गया। यानी कि ईडीएम वन में ऑडिटोरियम वन और थ्री में टोटल कितने लोग टिकट, कितने टिकट बिके, 1600 टिकट बिक गए ईडीएम मॉल के लिए, और एसआरएस मॉल के लिए टोटल कितने टिकट बिके ऑडिटोरियम वन और टू के लिए, 1200 टिकट बिक गए। अब जो रिक्वायर परसेंटेज निकालना है हमको, कैसे निकालना है, इसमें पूछा क्या गया था, तो बेचे गए टिकट से कुल कितने प्रतिशत अधिक है, ईडीएम मॉल टोटल टिकट्स सोल्ड बाय ईडीएम मॉल इन ऑडिटोरियम वन एंड ऑडिटोरियम टू इज व्हाट परसेंट इज मोर और लेस देन इज मोर देन नंबर ऑफ ऑडिटोरियम वन एंड टू इन टिकट्स सोल्ड इन एसआरएस मॉल। तो ईडीएम में जो है एसआरएस से कितने प्रतिशत ज्यादा टिकट बिके, तो ईडीएम में देखो सीधा सीधा 1600 टिकट बिका है ईडीएम के लिए, एसआरएस के लिए 1200 बिका है, तो कितने प्रतिशत ज्यादा बिका, रिक्वायर्ड परसेंटेज जो हमारा निकल जाएगा, कैसे ये हो जाएगा 400 × 1200 कर देंगे, ठीक है ना, 4 × 1 = 4, ये 3 बार जाएगा, 100/3 का मतलब क्या हो जाता है 33 सही 1/3%, कितना हो जाता है 33 सही 1/3%, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्या आंसर हो गया हमारा, 33 सही 1/3% ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये रिक्वायर्ड परसेंटेज कैसे निकाला ये आप लोगों को पता होना चाहिए था, ये बहुत बेसिक चीज़ थी, इसको हम लोग कैसे किया है, इसको हम लोगों ने किया है 1600 − 1200 / 1200 × 100, यही किया है हम लोगों ने, यहीं से हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज आएगा। तो फिलहाल इसका आंसर जो हो जाएगा 33 सही 1/30 1/3% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्या बोला गया है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑडिटोरियम टू टिकट्स सोल्ड इन MMX मॉल एंड ऑडिटोरियम थ्री टिकट्स सोल्ड इन V3S मॉल। यानी कि MMX मॉल के ऑडिटोरियम टू में बेचे गए टिकट और V3S मॉल के ऑडिटोरियम थ्री में बेचे गए टिकटों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। MMX मॉल ये रहा, MMX मॉल के ऑडिटोरियम टू की बात हो रही है, ठीक है ना, टू की बात हो रही है, और V3S मॉल के ऑडिटोरियम थ्री की बात हो रही है, V3S मॉल ये रहा, ऑडिटोरियम थ्री ये रहा फोर, ठीक है ना, इसके टिकट की इन दोनों के लिए इन दोनों ऑडिटोरियम में बेचे गए टिकटों के अंतर जो है इसका हमको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले MMX मॉल की बात करते हैं, ठीक है ना, MMX मॉल की अगर हम लोग बात करेंगे तो MMX मॉल में किसके बात हो रही है, ऑडिटोरियम टू के लिए, ये रहा ऑडिटोरियम टू। तो चलिए देखते हैं MMX मॉल में, MMX मॉल के लिए टोटल कितने टिकट बेचे जा सकते हैं, 1800 टिकट बेचे जा सकते हैं MMX मॉल के, लेकिन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया गया था कि 200 टिकट्स रिमेन अनसोल्ड इन ईच मॉल, यानी कि सभी मॉल्स में 200 टिकट जो है वो बच गए, वो बिके नहीं, सभी मॉल्स के लिए जो टिकट अलॉट हुए थे कितने टिकट बेचे जा सकते हैं उसमें से 200 टिकट बिके नहीं, तो 1800 में से अगर 200 टिकट नहीं बचेंगे बिकेगा तो कितना टिकट बचेगा हमारे पास, 1800 − 200 1600 टिकट हमारा बचेगा किसके, MMX मॉल के लिए, ठीक है ना, MMX मॉल के लिए 1600 टिकट जो है बेचा गया। अब इस 1600 में से 15% टिकट जो है वो A1 के लिए यानी कि ऑडिटोरियम ए के लिए बेच दिया गया, ऑडिटोरियम वन में बेच दिया गया, ऑडिटोरियम टू और थ्री के लिए बचा कितना भाई, अगर 15% ऑडिटोरियम वन के लिए बेच दिया गया तो ऑडिटोरियम टू और थ्री के लिए कितना बचा, 85% हमारा बचा ऑडिटोरियम टू और थ्री के लिए, और ऑडिटोरियम टू और थ्री का ये रेशियो हमको दिया गया। तो चलिए अब हम निकालते हैं ऑडिटोरियम की टू की बात करते हैं, MMX मॉल के ऑडिटोरियम टू की बात करते हैं, तो MMX मॉल के लिए अगर हम लोग बात करें कि कितने टिकट जो है बेचे जाएंगे, कितने टिकट बचे और MMX मॉल के ऑडिटोरियम टू और थ्री के लिए, तो 1600 × 85/100, क्योंकि 15% टिकट जो था वो हमारा ऑडिटोरियम वन के लिए बिक गया था, तो टू और थ्री के लिए 85% बचेगा, इंटू रेशियो कितना दिया गया, 9:8 × 9:8 जो है हमारा रेशियो दिया गया, 9 और 8 के रेशियो में दिया गया, और A2 का कितना है, ऑडिटोरियम टू का 9 दिया गया है, तो इंटू 9 बाई 9 = 17 कर देंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा हमारा इसके MMX के लिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 17 1 बार है ये, और 17 ये 5 बार जाएगा, 17 × 5 = 85, तो ये 16 × 5 = 80 हो जाएगा, और 80 × 9 = 9 8 72 720 ये बना हमारा MMX मॉल का ऑडिटोरियम टू का, ऑडी टू का हो गया, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग V3S मॉल में किसका निकालना है, V3S मॉल में हम लोगों को निकालना है ऑडिटोरियम थ्री का, ऑडिटोरियम थ्री यानी कि ये 4 की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है ना। तो V3S मॉल में देखो कितने टिकट जो है V3S मॉल के लिए अलाट हुए थे, 2700 टिकट जो है V3S मॉल के लिए अलॉट हुए थे, कि 2700 टिकट जो है V3S मॉल में तीनों ऑडी मिलाकर ऑडिटोरियम वन ऑडिटोरियम टू और थ्री में बेचे जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है कि 200 टिकट जो है सभी मॉल में नहीं बिके, तो ऑडिटोरियम में अगर नहीं बिके हमारे तो V3S मॉल के लिए बचे कितने टिकट, बेचने के लिए बचा कितना, 2700 − 200 2500 टिकट बचेगा हमारा V3S के लिए, और इस 2500 में से 30% टिकट जो है वो 30% टिकट ऑडिटोरियम वन के लिए बिक गया ना, ऑडिटोरियम वन के लिए बिक गया, तो अगर 30% ऑडिटोरियम वन के लिए बिक गया तो ऑडिटोरियम टू और थ्री के लिए बचा कितना, 70 ही तो बचेगा,
भाई अगर 30% ऑडिटोरियम वन के लिए बिक गया तो ऑडिटोरियम टू और थ्री के लिए 70% बचेगा। तो अब हमको ऑडिटोरियम टू और थ्री के लिए कितना टिकट बचेगा ये पहले देख लेते हैं। तो टोटल बचा था 2500 टिकट, ठीक है ना, 2500 गुणे 70/100, ठीक है ना, ये हमारा बच गया ऑडिटोरियम टू और थ्री के लिए इतने टिकट बच गए। अब हमको निकालना कितना है, ऑडिटोरियम टू का निकालना है और थ्री का निकालना है V3S मॉल के लिए। V3S मॉल के लिए अगर ऑडिटोरियम थ्री का निकालना है तो थ्री का रेशियो कितना है, फोर। टू और थ्री का रेशियो 3:4 दिया गया है लेकिन थ्री का कितना है, फोर है। तो इंटू फोर बाई थ्री प्लस फोर कर देंगे, सेवन हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 7 से ये 70 कट जाएगा 10 बार, ठीक ना। ये दो जीरो जो है ये दो जीरो उड़ा देगा, तो 25 धम्मा 150 हो जाए, 250 हो जाएगा, और 250 गुणे 4 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया, ठीक ना, 1000। तो V3S मॉल के ऑडिटोरियम 3 के लिए जो है 1000 टिकट बिका, और MMX मॉल के ऑडिटोरियम 2 के लिए जो है 720 टिकट बचा। अब हमको जो डिफरेंस निकालना है, इन्हीं का डिफरेंस हमको निकालना था, तो 1000 माइनस 720, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग घटा देंगे तो 700 जाएगा, 800 हो जाएगा, 700 अगर जाएगा तो 300 हो जाएगा, 20 और चलाएगा 280, 280 जो है हमारा आंसर हो गया। इन दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा 280, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें बोला गया है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टोटल ऑडिटोरियम 8 टिकट्स सोल्ड बाय ऑल 5 मॉल्स टुगेदर, ठीक है ना। सभी पांचों मॉल में ऑडिटोरियम ए के लिए बेचे गए टिकटों का औसत निकालना है। सभी पांचों मॉल में ऑडिटोरियम ए के लिए बेचे गए जो टिकट हैं उनका औसत निकालना है। तो ये सभी पांच हमारे मॉल हैं, पैसिफिक, SRS, EDM, V3S और MMX, और ऑडिटोरियम ए के लिए जो है परसेंटेज में वैल्यू दी गई है, रहा ना, ये परसेंटेज में वैल्यू दी गई है। तो हम लोगों को सीधे सीधे इनका निकाल के 5 से भाग देना है, इनको निकालना है सबकी वैल्यू, उसको ऐड करना है, एवरेज का मतलब ही होता है, उसके बाद 5 से भाग दे देना है। तो अगर हम लोग पैसिफिक मॉल की बात करें, चलिए एवरेज निकालते हैं, एवरेज हम लोग के लिए निकालते हैं, हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज कैसे निकल जाएगा। पैसिफिक मॉल में टोटल कितने टिकट बेचे जा सकते थे, 2200 टिकट बेचे जा सकते थे, लेकिन 200 टिकट बिके नहीं, 200 टिकट बिके नहीं, तो बिके कितने टिकट, 200 टिकट अगर नहीं बिक पाए तो 2200 में से 200 जाएगा, 2000 टिकट बिकेंगे, और 2000 टिकट में 20% टिकट जो था, 2000 टिकट में 20% टिकट जो है ऑडिटोरियम वन के लिए बेचा गया। तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5, तो 2000 गुणे 1/5 प्लस। अब बात करेंगे हम लोग SRS मॉल की, SRS मॉल के लिए 2000 टिकट अलॉट हुए थे लेकिन 200 टिकट बिके नहीं, और 200 टिकट बिके नहीं तो बिके कितना, 2000 माइनस 200, 1800 टिकट बचे बिके, और 1800 टिकट में ऑडिटोरियम वन के लिए 20% टिकट बिके, 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/5, यानी कि प्लस 1800 गुणे 1/5 प्लस 1800 गुणे 1/5, चलिए प्लस। आगे हम लोग बात करेंगे EDM मॉल की, EDM मॉल के लिए कितने टिकट थे, 2600 टिकट अलॉट हुए थे लेकिन 2600 टिकट में से 200 टिकट बिके नहीं, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, और 200 टिकट अगर बिके नहीं तो 2600 माइनस 200, 2400 टिकट बिके, और 2400 टिकट में से 25% टिकट जो है ऑडिटोरियम वन को बिके, ऑडिटोरियम वन के लिए बिके। तो 2400 का 25%, यानी कि 25% का मतलब हो जाएगा 1/4, यानी कि प्लस 2400 गुणे 1/4 प्लस प्लस। अब बात करेंगे V3S मॉल की, V3S मॉल के लिए 2700 टिकट अलॉट हुआ था, 2700 टिकट, 2700 में से 200 टिकट बिके नहीं, 2500 टिकट बिके, 2500 टिकट में से 30% टिकट जो था ऑडिटोरियम वन के लिए बिका, तो 2500 गुणे 30/100। अब हमारा बच रहा है क्या, अब हमारा बच रहा है MMX मॉल, MMX मॉल के लिए 1800 टिकट अलॉट हुए थे, 200 टिकट बिके नहीं, बचे कितना, 1600 टिकट बचे, और 1600 टिकट में से 15% टिकट जो है, 15% टिकट ऑडिटोरियम वन के लिए बिके, तो प्लस 1600 गुणे 15/100, ठीक है, अपॉन इस पूरे का अपॉन होगा, ये पूरे का अपॉन 5 क्यों होगा, क्योंकि 5 मॉल हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, आंसर यहीं से हमारा आ जाएगा, इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए अगर इसको काट देते हैं 5, ये कैलकुलेशन बेसिक है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, कर लेंगे आप लोग, लेकिन चलिए मैं बता रहा हूँ, चलिए बताता हूँ, 5 5 24, ये 400 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये हमारा 1800 गुणे 5, अगर 5 से भाग देना है मतलब कि 2 से गुणा करके एक अंक पे दशमलव लगा दो, 2 से गुणा करके एक अंक पे दशमलव लगा दो, भाई अगर इसमें इंटू टू करोगे तो ऊपर 2 से गुणा जाएगा, 3600 हो जाएगा, और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 360 हो जाएगा, यानी कि 360 हो गया। ये तरीका है 5 से भाग देने का, गुणा करने का, 4 से 2400 को भाग दोगे काटोगे 600 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, इस दो जीरो से ये जो दो जीरो तुम्हारा उड़ जाएगा, 25 3 कितना हो जाएगा, ये 75 750 हो जाएगा यहाँ से, इस दो जीरो से ये दो जीरो तुम्हारा कट जाएगा, 1500 का गुणा कर लेंगे। तो चलिए अब क्या हमारे पास वैल्यू आ गई, 400 प्लस 360 प्लस 600 प्लस 25 375 750 है ये, प्लस 750 प्लस
सोलह पंचे अस्सी के शून्य, यहाँ से लाट हो जाएगा, सोलह का नाम सोलह और आठ चौबीस, 240 अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा इसका 5, अपॉन 5 कर देना है, ठीक है ना। अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो 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 जीरो, लास्ट में सबके जीरो ही है, जीरो हो जाएगा, चार पाँच नौ और नौ छः पंद्रह के पाँच हो जाएगा, यहाँ से लेक आ गया हमारे पास, यहाँ से लेक हो जाएगा, दो सात नौ छः, नौ छः पंद्रह, पंद्रह एक सोलह हासिल वाला, सोलह तीन उन्नीस, चार तेईस, 23, 23 अपॉन 5 काट दो इसको, पाँच चौक बीस हो जाएगा हमारा, पाँच सात पैंतीस, पाँच शून्य शून्य, 700, 470, 470 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा एवरेज, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला गया है फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल ऑडिटोरियम 3 टिकट्स सोल्ड इन पैसिफिक एंड एसआरएस मॉल टुगेदर टू टोटल ऑडिटोरियम 2 टिकट्स सोल्ड इन ईडीएम एंड पैसिफिक मॉल। हिंदी में अगर बात करेंगे तो पैसिफिक और एसआरएस मॉल के ऑडिटोरियम 3 के लिए बेचे गए कुल टिकटों का ईडीएम और पैसिफिक मॉल के ऑडिटोरियम 2 के लिए बेचे गए कुल टिकटों का अनुपात ज्ञात करना है, हमको रेशियो ज्ञात करना है, ठीक है ना। किसका किसका रेशियो ज्ञात करना है, ऑडिटोरियम 3 की अगर हम लोग बात करेंगे, ऑडिटोरियम 3 और इसमें कौन कौन से मॉल हो जाएंगे, ऑडिटोरियम 3 के लिए कौन कौन से मॉल हो जाएंगे, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल ऑडिटोरियम 3 टिकट्स सोल्ड इन पैसिफिक एंड एसआरएस, पैसिफिक एंड एसआरएस, पैसिफिक प्लस एसआरएस, ठीक है ना। ऑडिटोरियम 3 का रेशियो किससे निकालना है, ऑडिटोरियम 2 का, ऑडिटोरियम 2 का इसमें कौन सा हो जाएगा, ईडीएम और पैसिफिक, ईडीएम और पैसिफिक, ठीक है ना, ईडीएम प्लस पैसिफिक, पैसिफिक, ठीक है ना। तो अब हमको ऑडिटोरियम इसमें पैसिफिक और एसआरएस के ऑडिटोरियम 3 को निकाल के जोड़ देना है, ऑडिटोरियम 2 के लिए ईडीएम और पैसिफिक का निकाल के जोड़ लेना, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले पैसिफिक में ऑडिटोरियम 3 में कितने लोग निकालते हैं, पैसिफिक कहाँ पर है, ये रहा पैसिफिक, ठीक है ना। ऑडिटोरियम 3 कहाँ से आएगा, ये रहा हमारा रेशियो, 2 और 3 का रेशियो ये दिया गया, तो हम लोग निकालेंगे इसको। देखिए पैसिफिक मॉल के लिए 2200 जो है टोटल टिकट अलॉट हुए थे कि 2200 टिकट इनको बेचा जाना है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं किए हैं तो करिए, इस क्वेश्चन से ही करिए, एक क्वेश्चन और इसको उस तरीके से करिए, क्योंकि ऐसे कोई फायदा नहीं होने वाला अगर ऐसे वीडियो देखेंगे तो आप लोग, ठीक है ना। देखिए पैसिफिक में हमको 2200 टिकट अलॉट किया था कि पैसिफिक मॉल में 2200 टिकट बेचे जा सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि 200 टिकट जो है वो नहीं बिके, तो 200 टिकट नहीं बिके तो पैसिफिक में बिके कितना, 2200 माइनस 200, 2000 टिकट पैसिफिक मॉल में बिके, 2000 टिकट पैसिफिक मॉल में बिके, लेकिन इसमें से 20% टिकट जो था, 20% टिकट ऑडिटोरियम 1 के लिए बिक गया, तो बचा कितना 80%, 80% टिकट जो बचा वो ऑडिटोरियम 2 और 3 में बिकेगा, ऑडिटोरियम 2 और 3 में बिकेगा, और 2 और 3 का रेशियो हमको दिया गया है, ठीक है ना। और निकालना किसको है, 3 का, तो हम लोग अब चलिए निकालेंगे, अब निकालते हैं पैसिफिक मॉल के ऑडिटोरियम 3 के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 2000, ठीक है ना, 2000 इंटू 80% बचा था, 80% बचा हुआ है ऑडिटोरियम 2 और 3 के लिए, और 3 का रेशियो कितना है, 2 और 3 का रेशियो 5:3 है, तो 3 का कितना हो जाएगा इंटू 3 अपॉन 8, इंटू 3 अपॉन 8 हो जाएगा, इंटू 3 अपॉन 8 प्लस करेंगे। अब एसआरएस मॉल की बात करेंगे, एसआरएस मॉल कहाँ पर रहा, ये रहा एसआरएस मॉल का भी ऑडिटोरियम 3 ही निकालना है हमको, तो एसआरएस मॉल में टोटल कितने टिकट मिले थे, 2000 टिकट बेचने को मिले थे, 2000 टिकट में से 200 टिकट बिके नहीं, क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो बिके कितना 1800 टिकट, और 1800 टिकट बिके, 1800 टिकट जो है एसआरएस मॉल के बिके, और इसमें से 20% टिकट जो था वो तो हमारा क्यों किसके लिए बिका, ऑडिटोरियम 1 के लिए बिका ना, ऑडिटोरियम 1 में जो मूवी लगी थी उसमें जो है 20% टिकट बिक गया उसके लिए, 1800 में से 20% ऑडिटोरियम 1 के लिए चला गया, तो ऑडिटोरियम 2 और 3 के लिए कितना बचा, 80% ही तो बचा, 80% बचा, तो हम लोग वही निकालेंगे, इंटू प्लस 1800 इंटू 80 बाई 100, और ऑडिट 3 की बात हो रही है, और 2 और 3 का रेशियो दिया गया 7:5, तो 3 का कितना है 5 है, 3 का रेशियो कितना है 5 है, तो इंटू 5 प्लस 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, ठीक है ना, तो इंटू 5 प्लस 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 प्लस 5 12 है। इसका रेशियो हमको किससे निकालना है, अब ऑडिटोरियम 2 की बात करेंगे, ईडीएम मॉल के लिए, ईडीएम मॉल ये रहा, ईडीएम मॉल हमारा ये रहा, ऑडिटोरियम 2 ये रहा, ठीक है ना। अब हम लोग निकालते हैं ईडीएम मॉल के लिए टोटल 2600 टिकट अलॉट हुआ था, और 2600 टिकट में से 200 टिकट बिका नहीं, तो बचा कितना, बचा कितना 2400 टिकट, 2600 माइनस 200 2400 टिकट बचा, और 2400 टिकट में से 25% टिकट जो था वो ऑडिटोरियम 1 के लिए चला गया, तो बचा कितना 2 और 3 के लिए, 75% ही तो बचा, यानी कि 2400 का 75% जो है 2 और 3 के लिए बचा, तो 2400 गुणे 75
शब्दों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और ऑडिटोरियम टू के लिए कितना टिकट अलॉट हुआ है, 4:5 के रेशियो में है टू और थ्री के लिए, और टू का कितना रेशियो है, फोर, टू का रेशियो कितना है, फोर, तो यानी कि इंटू फोर अपॉन नाइन कैसे होगा, 4 + 5 जो है 9 हो जाएगा, प्लस प्लस पैसिफिक मॉल के ऑडिटोरियम टू में कितना टिकट होगा, तो पैसिफिक मॉल ये रहा, 2000 टिकट बचे हुए थे पैसिफिक मॉल के लिए, 80% टिकट जो था टू और थ्री के लिए बचा, ठीक है ना, 80% टिकट हमारा टू और थ्री के लिए बचा, तो प्लस 2000 × 80, ठीक है ना, इंटू टू का रेशियो कितना है, टू का रेशियो कितना है इसमें, टू का रेशियो है 3, 5:3 है ना, टू और थ्री का रेशियो 5:3, तो टू का हो जाएगा 5 × 5 + 5 + 3 यानी कि 8 × 5 + 8 × 5 + 8 यही हमारा है, इसी को सॉल्व कर लेना है, हमारा रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इस दो जीरो से ये दो जीरो उड़ जाएगा, 8 से 10 बार चला जाएगा, तो ये कितना हो गया, 20 × 200 और 3 × 600 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 600, ये हमारा हो जाएगा 600। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं 600, ये हो गया, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, ये 8 से 10 बार कट जाएगा, 80 हो जाएगा, तो 200 और 3 × 600 हो जाएगा, प्लस प्लस क्या है, अब ये है, इस दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा हमारा, ठीक है ना, और 4 से अगर इसको हम लोग 6 से काट दें तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा, और 6 × 2 = 12 हो जाएगा, 2 से इसको काट दें तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि 4 × 3 = 12 + 12 यानी कि 120 और × 5 12 × 5 = 60 + 600 600 + 600 हो जाएगा ये। चलिए 600 + 600 हो गया हमारा किसका, ये हमारा हो गया ऑडिटोरियम 3 पैसिफिक और एसआरएस का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको काट देते हैं, दो जीरो से ये दो जीरो उड़ा देते हैं पहले तो, ठीक है ना, दो जीरो से दो जीरो काट दिया, इसके बाद में हम लोग अगर इसको काटते हैं 3 से तो 3 × 8 = 24 हो जाएगा ये, ठीक है ना, और ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 से ये काट लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25 × 3 = 75 हो जाएगा, और ये 25 × 3 = 75 हो जाएगा, ठीक है, 3 से काटते हैं इसको, 3 × 3 = 3 और ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो 25 × 4 = 100 हो जाएगा, और 100 × 8 = 800 हो जाएगा, प्लस 800 ये हो गया, प्लस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, इन दो जीरो से ये दो जीरो उड़ जाएगा हमारा, 8 से ये 10 उड़ जाएगा, 80 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये 200 × 10 कितना हो जाएगा, 200 और × 5 प्लस 1000 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, ये हो गया हमारा 1800, ये 1800 हो गया, ये 1200 हो गया, 600 + 600 ये 1200 हो गया, यही रेशियो हमको निकालना था, यही हमको उस क्वेश्चन में निकालना था, यानी कि 1200 × 1800 यही रेशियो हो जाएगा, 4 इसको हम 6 से काट देते हैं अगर, तो 6 × 12 और 6 × 3 = 18, ठीक है, 2:3 यही हमारा रेशियो हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इसमें क्या नहीं समझ में आया, कहाँ पे नहीं समझ में आया है, उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो इस वीडियो के नीचे डिफरेंट सोशल मीडिया लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ से अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा ग्रुप है जहाँ पर हम लोग लगातार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं, आप लोग वहाँ पर भी आकर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं, और ग्रुप अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन करिए, क्योंकि लगातार हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए और अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस डीआई सेट का, इसमें बोला गया है ऑडिटोरियम 1 एंड ऑडिटोरियम 2 टिकट्स सोल्ड इन एमएमएक्स मॉल इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन ऑडिटोरियम 1 एंड ऑडिटोरियम 2 टिकट्स सोल्ड इन बी3 मॉल। हिंदी में अगर बात की जाएगी तो एमएमएक्स मॉल में ऑडिटोरियम 1 और ऑडिटोरियम 2 दोनों के लिए बेचा गया टिकट बी3 मॉल में ऑडिटोरियम 1 और ऑडिटोरियम 2 के लिए बेचे गए टिकट से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है एमएमएक्स मॉल की, ठीक है ना, किसकी बात हो रही है, एमएमएक्स मॉल की, और उसके बाद में किसकी बात हो रही है, वी थ्री एस मॉल की, इन दोनों मॉल की बात हो रही है, और एमएमएक्स मॉल में किसकी बात हो रही है, ऑडिटोरियम 1 और ऑडिटोरियम 2 की बात हो रही है, यानी कि A1 + A2 निकालना है एमएमएक्स के लिए। वी3एस के लिए किसकी बात हो रही है, ऑडिटोरियम 1 और ऑडिटोरियम 2 की, यानी कि A1 + A2 निकालना है इसमें, ठीक है ना, A1 + A2 निकालना है, दोनों में जो है ऑडिटोरियम 1 और 2 की बात हो रही है एमएमएक्स में और V3S में। अब MMX की हम लोग काउंट कर लेते हैं, MMX का कैसे निकालेंगे, देखिए MMX का हम लोग निकालते हैं,
एमएमएक्स के लिए जो है टोटल 1800 टिकट अलॉट हुए थे कि 1800 टिकट बेचे जा सकते हैं, जिसमें से 200 टिकट जो है वो नहीं बिके, क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो 200 टिकट अगर नहीं बिके तो बचा कितना एमएमएक्स के लिए, 1800 माइनस 200, 1600 टिकट एमएमएक्स के लिए बचा, ठीक है ना। और 1600 टिकट में से 15% टिकट जो है, 15% टिकट जो है ऑडिटोरियम वन के लिए बिक गया, और ऑडिटोरियम वन का ही निकालना है, तो हमको क्या हो जाएगा, 1600, ठीक है ना, 1600 गुणे 15/100, ये ऑडिटोरियम वन का हो गया। ऑडिटोरियम टू का अगर हम लोग देखते हैं एमएमएक्स में, तो अगर 15% टिकट हमारा ऑडिटोरियम वन के लिए बिक गया तो टू और थ्री के लिए कितना प्रतिशत बचा, 85% ही तो बचा, 85% ही बचा। और ऑडिटोरियम टू का और थ्री का रेशियो दिया गया है 9:8, टू का रेशियो कितना है 9 है, तो बस ऑडिटोरियम टू का हम लोग निकाल लेंगे इसमें। ये कैसे हो जाएगा, 1600 टोटल टिकट था, 85% टिकट हमारा बच गया टू और थ्री के लिए, इंटू टू का निकालना है रेशियो कितना गया 9:8, 9:8 टू और थ्री का दिया गया, जिसमें टू का रेशियो कितना है 9 × 9 + 9 + 8, यानी कि 9 × 17 × 9 + 17 हो जाएगा। तो 17 × 17, 17 × 25, 85 पाँच बार जाएगा, इस दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। 16 × 85 के शून्य, यहाँ से 8 हो जाएगा, 16 × 9 = 8, 2 × 16 = 8, 8 × 14 = 24 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 16 × 85, 16 × 85, और 80 × 9 = 9/72, 720, 720। ये बात हो गई हमारी किसकी, एमएमएक्स मॉल की। अब वी थ्री एस मॉल की बात करेंगे, ऑडिटोरियम वन की। वी थ्री एस मॉल कहाँ पर है, ये रहा, वी थ्री एस मॉल के लिए टिकट कितना अलॉट हुआ था, 2700 टिकट अलॉट हुआ था, और इस 2700 टिकट में से 200 टिकट नहीं बिका, यानी कि 2700 - 200 टिकट बचा, बिका 2700 - 200 करेंगे तो 2500 टिकट बच बिका वी थ्री एस में, और 2500 टिकट में से 30% टिकट जो है ऑडिटोरियम वन को बेचा गया, ठीक है ना। तो 2500 × 30/100, ये हो गई बात ऑडिटोरियम वन की वी थ्री एस मॉल की, ठीक है ना। और अगर ऑडिटोरियम वन को 30% टिकट बेच दिया गया तो ऑडिटोरियम टू और थ्री के लिए कितना बचा, 70% ही तो बचा, 70% बचा, और निकालना किसका है हमको, ए टू का रेशियो कितना है 3:4 के बीच में दिया गया है, और ए टू का रेशियो 3 हो जाएगा। तो प्लस हम लोग क्या करेंगे, 2500 × 70/100, इतने तो टिकट बचे हमारे ए टू और ए थ्री दोनों के लिए, ठीक है ना। और ए टू का निकालना है, ए टू का रेशियो कितना है 3 × 3/7 × 3/7, 7 कैसे हो जाएगा, 3+4, ये रेशियो है ना, 3+4 इसको जोड़ देंगे, 3+4 इसको जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो अगर इसको काट दें, दो जीरो से ये दो जीरो उड़ जाएगा हमारा, तो ये कितना हो गया, 25 × 3 = 75, 750 कितना हो जाएगा, ये 750, ठीक है ना। प्लस इस दो जीरो से ये दो जीरो काट देते हैं, 7 × 7 = 7, 7 × 10 = 100, ठीक है ना। तो ये 25 × 10 = 250 हो गया, और 250 × 3 कितना हो जाएगा, 750, 25 × 3 = 75, 750, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 750 + 750 ये कितना हो जाएगा, 1500, और ये कितना हो जाएगा, 240 + 200 = 720, तो 7 × 2 = 900, 940 = 60, 960 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 960, ठीक है ना, 960। तो ये हमारा बात हो गई वी थ्री एस मॉल की और एमएक्स मॉल की। एमएक्स मॉल ये रहा, वी थ्री एस मॉल ये रहा। अब हमको जो रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है वो कैसे निकालना है, रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या निकालना है, एमएमएक्स मॉल में ऑडिटोरियम वन और टू, ठीक है ना, एमएमएक्स मॉल में ऑडिटोरियम वन और टू को मिलाकर जो टिकट बिके वो वी थ्री एस मॉल के ऑडिटोरियम वन और टू को मिला से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो अभी इससे बात है कि एमएमएक्स में जो है कम बिका हुआ है, क्योंकि देखिए ना, वी थ्री एस में 1500 टिकट बिका है और एमएमएक्स में 960 टिकट बचा है, तो कितना कम बिका है यही हमको निकालना, कितने परसेंट कम बिका है यही हमको निकालना। तो रिक्वायर परसेंटेज की वैल्यू ये लिख रहा हूँ, ये आप लोग क्वेश्चन में जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ये लाइन अवॉइड करेंगे, केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 1500 − 960 / 1500 × 100 / 1500 × 100, इसी को हमको सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1500 में से 960 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 = 40, 1000 हो जाएगा, और ये 540, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 540 / 1500 × 100, ठीक है ना। दो जीरो से दो जीरो हम ला देंगे, 15 से अगर काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45 हो जाएगा, 15 × 6 = 90, 36% कम है, कितना आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 36% कम हो जाएगा, ठीक ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये टीआई का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना।
आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग परसेंटेज और रेशियो से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या हमारी अप्रोचेज होती हैं, ठीक है ना। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार वीडियो को पीछे करके देखिएगा और जो भी मैंने बोला है शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, तब चीज़ें समझ में आएंगी। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आती तो वीडियो में भी मैंने बता दिया था कि आप लोग किस तरीके से कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। और चीज़ें अच्छी लगी, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इसका फीडबैक दीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन कैसे थे, अच्छा लगा या नहीं लगा। और फेसबुक ग्रुप अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लगातार डिस्कस करते रहते हैं। हर महीने के हम लोग वहाँ पर बैंकिंग एंड अवेयरनेस की वीडियो डालते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखे होंगे, प्लेलिस्ट बना दी गई है। और मंथली करंट अफेयर्स भी हम लोग डालते हैं, टॉप 100 क्वेश्चन जो होते हैं। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को देखिए और इसको पढ़ाई लगातार करते रहिए। कोरोना फैला हुआ है, कोरोना के लिए तमाम गाइडलाइन जारी की ही गई हैं, तो कोरोना से बच के रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई लगातार करते रहिए, ठीक है ना। और ये जो DI थी, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ नहीं समझ में आई या क्या नहीं समझ में आई। और उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वीडियो पॉज कर करके खुद से सॉल्व किए होंगे, आप लोगों ने वैसे ही किया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।